गॉड, मैंने तो हेयर एंड देयर सारा देख लिया, लेकिन मुझे क्विक लुक नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है हीर खुद ही खाना बना रही है। बबलू, तुम क्या रास्ते में पोल की तरह खड़े हो? वो मैंने आपको यहाँ इधर उधर भटकते हुए देखा तो मैं जरा परेशान हो गया था ना, सोचा कि पूछ लूँ आपसे कि आप एक्सरसाइज कर रही हैं या जासूसी। मैं क्यों जासूसी करूंगी, मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। मगर इस वक्त एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता बबलू। अगर आपने खुद को स्लिम एंड स्मार्ट रखना है और ढोल नहीं बनना है तो आप एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं। हर बेबी, ऐसे आपके मेरे ख्याल आप कितने मिलते जुलते हैं, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बबलू, मेरे रास्ते से हटोगे? थोड़ी देर यहीं रुक जाओ ना। बबलू हटो। अब क्या होगा मामा? अगर उसने लिस्ट के मुताबिक सब बना लिया और वो सबको पसंद आ गई, खासतौर पे चांद को, तो मेरा क्या होगा? I'm Mascara. बेटा, मैं 4 चक्कर लगा चुकी हूँ किचन के, वेट कर रही हूँ कि वो हेयर इन देर हो, लेकिन वो शहजादी बहुत क्लेवर है, वो किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रही। मामा, अब पापा को फोन करें और उनसे कहें मैं वापस बुला लें। नो बेटा जानी, नो गिव अप। अभी तुम्हारी मामा अलाइव है, बस तुम एक काम करो, तुम किचन के दरवाजे, किचन की खिड़की और गेट पर नजर रखो, कोई ना कोई डिलीवरी बॉय तो आएगा, फिर हम उनका सीक्रेट एक्सपोज कर देंगे। ठीक है मामा। हेलो हेलो, होममेड शेफ, मेरा खाने का ऑर्डर तैयार है जी। और कितना टाइम लगेगा जी? ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपका राइडर कोई ब्रांडेड शर्ट तो नहीं पहन के आता? तो उसकी शर्ट चेंज करा देना। हाँ, उसको सादी शर्ट में भेजिएगा और उसको कहिएगा कि मेरे घर के गेट के सामने बाइक ना पार्क करे। हाँ, मेरे घर से थोड़ी थोड़ी दूर करके बाइक खड़ी करे। जी जी जी, सब कुछ ना पैक करके भिजवा दीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और हाँ, खाना ना सादे शॉपरों में भिजवाइएगा, ब्रांडेड शॉपर में ना भिजवाइएगा। जी जी, ठीक है ठीक है, ओके। शुक्र है तेरा काम पक्का हो गया, बड़ी स्मार्ट है तू हीर। अच्छा सुनो बेबी, मैं जो ना बिल्किस को अपने टॉकिंग में बिजी करूंगी, ठीक है? और तुमने क्या करना है, पीछे वाली खिड़की से जाके यू हैव टू सी द किचन कि हीर उसके अंदर क्या कर रही है। और सुनो, तुमने मेन गेट को भी वॉचिंग करनी है ताकि जिस तरह कोई डिलीवरी बॉय आएगा तुम उसके साथ कैचअप हो जाना। ओके मामा, डोंट वरी, आप देखे मैं क्या करती हूँ। ओके प्लीज, तुम इतनी गर्मी में, सच हॉट वेदर, बैठ के तस्बीह क्यों पढ़ रही हो? आओ ना अंदर चलते हैं एसी में। ना भाभी, मैं ना गर्मी में ठीक हूँ, मुझे ना थोड़ी ठंडी हवा में तबीयत खराब होती है। ओह नो, व्हाट हैपेंड? बट इट्स सो हॉट वेदर, इसमें तो तस्बीह ना पढ़ो। अच्छा चलो ना, मेरे साथ अंदर चलो। ना ना भाभी, हम ना पिंड वाले और हमें ना असल ठंडी सूट करती है, ये जो आर्टिफिशियल ठंडी मशीन की हवा है ना, ये सर दर्द कर देती है। मैं बाहर ही ठीक हूँ। That is really good. लेकिन किचन के फ्रंट में बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता ना, इट्स नॉट नाइस। तुमने अपने माइंड के ऊपर राइड करा दिया है, वरना एसी में तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ तो आप जाए ना, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, हम इकट्ठे चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, कम ऑन। अरे भाई, हीर को ना कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। बट तुम्हारा यहाँ बैठना इतना वियर्ड है। अब जो भी है, मैं ना यहीं पे बैठूंगी, आप जाओ। ये,
ऐ तू वड्डी मेरी हमदर्द,